तो फाइनली वन प्लस का लेटेस्ट फ़ोन वन प्लस नॉट लॉन्च हो चुका है। इस फ़ोन के बारे में काफ़ी हाइप और क्रेज़ था, काफ़ी स्पेकुलेशंस भी हो रहे थे इसके नाम के बारे में। शुरुआत में कहा जा रहा था कि इसका नाम होगा वन प्लस जी, दूसरे गेस हो रहे थे इसके प्राइस के बारे में। वन प्लस ने पहले ही बता दिया कि मिड रेंज फ़ोन होने वाला है, लोग गेस कर रहे थे इसका प्राइस होगा 30,000, 35,000, 25,000 के आसपास। तो चलिए बात करते हैं वन प्लस नोट के बारे में। शुरू करते हैं इसके वेरिएंट से, तो ये तीन वेरिएंट में आएगा। पहला वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, और तीसरा वेरिएंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। डिस्प्ले 90Hz का एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें दो कलर वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, पहला है ग्रे ऑनिक्स और दूसरा ब्लू मार्बल। इसमें 30T चार्जिंग है जो 0 to 70% फ़ोन सिर्फ 30 मिनट्स में चार्ज कर देगी। प्रोसेसर हम सभी को पता था, इसमें स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर होगा, विच मीन्स के 5G फ़ोन है। बात करते हैं कैमराज की, तो इसमें चार रेयर कैमराज हैं। पहला है 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, दूसरा है 48MP कैमरा जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, तीसरा है 5MP का डेप्थ सेंसर, और चौथा 2MP का मैक्रो कैमरा। फ्रंट कैमराज की बात करते हैं तो इसमें दो कैमराज हैं, 3MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और दूसरा है 32MP कैमरा। और हाँ, आप इसमें 4K वीडियोस भी शूट कर सकते हैं 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। इसमें 6.44 इंच का डिस्प्ले स्क्रीन है, ऑक्सीजन ओएस के साथ आता है, एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, और इसकी बैटरी की बात करें तो 4115 mAh की बैटरी है। अब बात करते हैं USP क्या है, सबसे खास बात क्या है इस फ़ोन की, तो मैं ये कहूँगा कि जो प्राइस, जिस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च हुआ है, आई थिंक मार्केट में ये छा जाने वाला है, क्योंकि वन प्लस इस फ़ोन के बारे में जो क्रेज़ था और जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुआ है, ये इसको एक किलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वन प्लस एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन है और ये बिल्कुल फ्लैगशिप किलर प्राइस पे ही लॉन्च हुआ है। जो 6 और 64 का कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलेगा 24,999 रुपीज़ में, 8GB और 128GB का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा 27,999 रुपीज़, और जो तीसरा वेरिएंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज, वो अवेलेबल होगा 29,999 रुपीज़। जो 6GB वाला वेरिएंट है उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो सितंबर से अवेलेबल होगा। जो 8GB और 12GB वाले वेरिएंट हैं वो 4 अगस्त से अवेलेबल होंगे। तो अब आप मुझे बताइए अपने ओपिनियंस इस फ़ोन के बारे में, आपको क्या अच्छा लगा इस फ़ोन के बारे में, क्या अच्छा नहीं लगा, प्राइस सही है, क्या एक्स्ट्रा फीचर होना चाहिए था, एक्सेट्रा, कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आई ये वीडियोस तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली इस तरह के और वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।